लेटर निकालेंगे, अब पुर्जा जितना निकलना है उतना ही निकाल देंगे। एक ही बात जब आप ये समझोगे, जब स्थानीय स्वास्थ्य कमेटी के पास हर पहुंच हुई है और हर चीज का एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर में जब तक यहाँ ईओ नहीं आएगा तब तक बताया ना। सभा सदों से अभी हम लोगों का संवाद हुआ है, इन्होंने अपना पक्ष रखा, हम लोगों ने अपना पक्ष रखा है। अभी थोड़ी देर में हमारे बीच राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन दर्जा राज्य मंत्री सुरेंद्र वाल्मीकि जी आ रहे हैं, उनकी मौजूदगी में अभी इस प्रकार का पटाफेक्स किया जाएगा। हम लोगों की प्रमुख मांग है सफाई कर्मचारियों का रुका हुआ वेतन और संविदा कर्मचारियों का वेतन भत्ते और तमाम मांगे हैं जो इनको पूरी करने की करे नगर पालिका यहाँ का प्रशासन। सर प्रथम तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब ये हमारे माननीय सांसद आए हैं नवाबगंज क्षेत्र के, वो ये चाहते हैं कि वार्ता से ही इसका मामला हल हो। हम लोग ये चाहते हैं कि वार्ता से मामला हल हो। जो हमारे सफाई कर्मचारियों को 5 माह का वेतन नहीं मिला है, उनका अगर वेतन मिल जाता है तो समस्या अपने आप से समाधान हो जाएगा। और इसी बीच नहीं मेमोरी में ये रहा कि हम बोर्ड में प्रस्ताव पास कर देंगे इस तरह का, लेकिन उससे हल थोड़ी हो रहा है, क्योंकि कर्मचारियों के घरों में भुखमरी है। तमाम दुकानदार उन लोगों से जो है तकाजे कर रहे हैं, तो वो कहाँ से अपने पेट की पूर्ति करेंगे और कैसे वो भोजन करेंगे, तो कैसे सफाई करेंगे। तो इसलिए जो है उनका वेतन तो मिलना ही चाहिए। भाई सफाई कर्मचारी 6 महीने 5 महीने वेतन ना मिलने से बहुत ज़्यादा अधिक परेशान है। इनके बच्चे भुखमरी के कगार पे हैं, इनकी जो मांगे हैं वो भी जायज है। कहीं ना कहीं हमारे समस्त सभासद और हमारे अध्यक्ष की भी कहीं ना कहीं पे त्रुटि हम लोगों से हुई है, जिसके ये भुक्तभोगी है। लेकिन अब हम इन लोगों को आश्वासन देते हैं, जो भी गलतियां इनकी तरफ से हुई या हम लोगों की तरफ से हैं वो नहीं होंगी। अभी माननीय अध्यक्ष जी ने विशेष सचिव साहब से बात की तो उन्होंने यही आश्वासन दिया कि 4-5 दिन में ईओ साहब आ जाएंगे। ईओ साहब के आने पर सबसे पहला हम जो प्रस्ताव पास करने जा रहे हैं वो प्रस्ताव में यही है कि सफाई कर्मचारियों का वेतन सबसे पहले निकाला जाए, क्योंकि आज इनके बच्चे भुखमरी के कगार पे खड़े हैं, एडमिशन होने वाले हैं, ना तो ये एडमिशन करा पाने में सक्षम है। ये जिन लोगों से राशन पानी सब्जियां उधार लेते हैं उन लोगों ने भी उधार लेना बंद कर दी। ये बहुत ही ज्यादा इनका परेशान है वेतन न मिलने से। अभी नहीं माना, इनके मंत्री जी जो आ रहे हैं वो हम लोगों से वार्तालाप करेंगे, उसके बाद समस्या का समाधान होगा। देखिए आज जो हम लोगों ने बैठक रखी है, सब लोग सभासदगण इकट्ठा हुए, हम सब लोग हुए, और सबसे पहले जो सफाई कर्मचारी जो हड़ताल किए हुए हैं उनको समझाने का प्रयास किया गया। उनसे हमारे बोर्ड में वार्ता करी, एक बार नहीं करी 5 बार करी, और वार्ता करने के बाद भी वो लोग किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं है। जबकि वो लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि बिना ईओ के हमको वेतन कैसे मिल सकता है, जब ईओ आएगा तभी ये काम पॉसिबल है, वो ये सब अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन फिर भी ये एक राजनीतिक हड़ताल है, ये काम वाली हड़ताल, वेतन वाली हड़ताल ना होके इसके पीछे बहुत बड़ी सियासत है और ये राजनीतिक हड़ताल है। अब वो सब आप जानते हैं, हमसे इसमें नाम मत खुलवाइए कौन लोग हैं, बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, सब समझ जाते हैं। ये समाधान ईओ के आने के बाद ही होगा। हाँ जब ये आ जाएगा तो इनका वेतन मिल जाएगा। हाँ बोर्ड ने कल भी करी 5 बार, उन लोग हमारे सभासद लोगों ने उनके पास जाकर वार्ता करी, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है, और बिना ईओ के तो कुछ नहीं हो सकता। वो भी जानते हैं इतने साल उनको नौकरी करते हुए हो गए कि जब तक ईओ नहीं होता खाली चेयरमैन की सिग्नेचर से पैसा नहीं निकल सकता, लेकिन वो लोग ये सब जानते हैं, जानते हुए भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो कुछ है। बोर्ड की बात उनको मान लेना चाहिए थी, क्योंकि देखिए जनता ने चुनकर भेजा है इनको, हमारे सभासद लोग, सम्मानित सभासद सब वहाँ उनके पास गए और उन्होंने ये कहा, वायदा किया कि हम ईओ के आते ही सबसे पहले आपकी तनख्वाह निकाल देंगे, वेतन निकाल देंगे। फिर भी उस पर हठधर्मी दिखा रहे हैं कि नहीं हम नहीं उठेंगे। तो इन्हें कम से कम ये 30-40 साल नौकरी को होगा इनको, तो ये जानते हैं कि दो लोगों के एक ज्वाइंट हस्ताक्षर से पैसा ट्रांजेक्शन होता है। अब एक आदमी के कहने से नहीं हो जाएगा। क्या लग रहा है आपको, कब तक ईओ आ सकते हैं, कब तक इस समस्या का समाधान? देखिए ईओ के लिए बहुत हमने प्रयास किया और शासन ने ईओ तैनात कर दिया है, माननीय मंत्री जी नगर विकास के यहाँ से भी अनुमोदन हो गया है, और अब जो प्रोसीजर है उसके तहत चिट्ठी आएगी
शासनाध्यक्ष होगा, हाँ जन समस्या का समाधान हो जाएगा। वैसे भी हम प्रयत्न कर रहे हैं कि अपने स्तर से रोज डेली मतलब कुछ नाली सफाई वगैरह करा रहे हैं। आज डॉक्टर एम पी आई आके पूरी गली का हमने कूड़ा उठवाया, डाकखाने गली का उठवाया, और ये कहरान मोहल्ले मंदिर जो बना हुआ है लास्ट में कहरान मोहल्ले का, पूरा कहरान मोहल्ले का उठवाया। और हम ऐसे ही अपने जो मतलब प्राइवेट अपने जो चार कर्मचारी हैं 10 उनको अपने लगाए रहेंगे और वो करते रहेंगे। अब ऐसे संविदा कर्मचारी की तो हड़ताल ये अवैधानिक है संविदा कर्मचारियों का।